14 अगस्त जो कि विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि इस दिन क्या कठिनाई झेल के देश विभाजित हुआ था, इस चीज़ की छाया चित्रों को लगा के एक प्रदर्शनी रूप में लगाया गया और हमारे नवयुवक और सारा संसार जाने कि क्या क्या परेशानियाँ रहीं उस समय की, इस चीज़ को लेके एक यहाँ पर आयोजन रखा गया जिसका उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला। धन्यवाद करना चाहूँगा शारदा फिल्म के अधिष्ठाता दीपक सिंह जी का और सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल का, हम सब साथ में इसका उद्घाटन किए। तो आज हम यहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं जिसका शीर्षक होगा कि जो हमारे 14 अगस्त को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अखंड भारत दो टुकड़ों में बट गया था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उस दौरान काफ़ी सारे फैमिलीज़ को यातनाओं का सामना करना पड़ा था, तो उन्हीं को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और नमन अर्पण करने के लिए हम एक प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं जो कि 10 से लेके 14 तक 5 दिनों के लिए चलेगी। तो हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को कि हमारे जब विभाजन हुआ था तो उस दौरान के सारी फैमिलीज़ किस यातना से गुजरी थी, बस उसका हम एक ध्यान दिलाना चाहते हैं और हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार ज़रूर आके ये प्रदर्शनी देखें।